पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और फायर ब्रांड नेता सचिन चौधरी के हाईवे स्थित लोकसभा कार्यालय पर रामपुर सांसद आजम खान की रिहाई और उनके स्वास्थ्य के लिए यज्ञ हवन किया गया। सचिन चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में जब गंभीर अपराधों में शामिल रहे कैदियों को पैरोल पर रिहाई मिल गई, तब ऐसे माहौल में भी रामपुर से सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम जेल में ही रहे, जिससे साफ जाहिर है कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी। अब जब उन्हें इलाज की जरूरत है, तब भी सरकार संवेदनहीन बनी है। सचिन चौधरी ने कहा कि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, सत्ता पर काबिज लोगों को सोचना चाहिए कि आज ना कल उन्हें कुर्सी से उतरना ही होगा। उन्होंने कहा कि किताबों में पढ़ा था और बुजुर्गों से सुना था कि एक हिटलर था जो बहुत ज्यादा जालिम था। इस केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने उस दौर की याद ताजा कर दी है, सिर्फ अपनी नाकामियां छिपाने के लिए समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, जिसकी आग एक न एक दिन इन्हें जरूर झुलसा देगी। आखिर में सचिन ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी धर्मों के लोगों से एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन जन विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकने और कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान किया। देखिए, आज सरकार को सद्बुद्धि आए, खासकर योगी जी को सद्बुद्धि आए, इसलिए हवन किया गया। आज आपने देखा होगा माननीय आजम खान साहब जेल में हैं और इतने केसेस उन पे लगा दिए गए, पता नहीं क्या जुर्म है उनका, ऐसी कौन सी धाराएं लगाई हैं उनके ऊपर। NSA भी 11 महीने में टूट जाता है, वो भी उससे भी खतरनाक धाराओं में, उन्हें सांसद हैं वो, 9 बार विधायक रहे, उसके बाद भी उन्हें जेल में बंद किया गया। उसमें समाजवादी और योगी सरकार दोनों ही मिलकर उनका शोषण कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के, उनके और योगी जी की मिली भगत के कारण आज आजम खान साहब जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा अपराध नहीं किया कि उनको जेल में रखा जाए। उनके स्वास्थ्य के लिए आज यहाँ पर वो स्वस्थ रहें और जल्दी जेल से रिहा हों, उसके लिए हवन किया गया। कोरोना महामारी रही, कोरोना महामारी दोबारा ना आए, क्योंकि इलेक्शन के समय में दोबारा भी आ सकती है, वो ना आए तो उसके लिए भी हवन किया गया। सरकार को सद्बुद्धि आए, देश में सब खुशहाल रहे, इसलिए हवन किया। अच्छा, मेरा सवाल है, कांग्रेस वो जो समाजवादी के वरिष्ठ नेता कहलाए जाते हैं आजम खान, उन्हें लेकर सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इनके लिए सड़कों पर उतरी? देखिए, माने प्रियंका गांधी जी और माने राहुल गांधी जी ने हमेशा ही उन लोगों का साथ दिया जो लोग परेशान हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, उसमें माने आजम खान साहब भी हैं। यह पार्टी की बात नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी में है, लेकिन इस बात पे मानवता यहाँ पे आनी चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए। आज आजम खान साहब के साथ है, हो सकता है कल आपके साथ हो, कल हो सकता है किसी तिवारी के साथ हो। जिस तरह का जुल्म खासकर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो आजम खान साहब हो, आपको सबको पता है। इसलिए हमारा एक ही कहना है, सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा विकल्प है जो देश को बचा सकती है। ये छोटे दल हैं, देखो समाजवादी, बसपा, जब हम उत्तर प्रदेश से निकलते हैं इनके बाहर इन्हें कोई पूछता नहीं है, और यही कारण है कि BJP चाहती है कि ये पार्टियां मजबूत हों क्षेत्र में, इसीलिए कांग्रेस से डरती हैं। देखिए, आप मुझे बताइए कौन सा विकल्प है देश के पास? BJP के सामने एक ही पार्टी खड़ी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। जिस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।